चोर मोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रुमान रईस फाउंडेशन का जो है ये दस्तखान बिछा हुआ है। यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे जो है अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि रुमान रईस साहब जो है ख़ुद यहाँ मौजूद हैं और वो अपने हाथ से जो है वो बिरयानी निकाल के दे रहे हैं, मुस्तहकों को बिरयानी खिला रहे हैं। यहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम है रुमान रईस भाई की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से। ये खुद मौजूद होते हैं रोज़ाना, अपने हाथ से जो है निकालते हैं अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, बिरयानी निकाल के जो है मुस्तहक को यहाँ पर अफ्तारी किया जाता है, गरीबों को यहाँ अफ्तारी करवाते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है जो रुमान रईस साहब जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलर हैं, ये यह काम कर रहे हैं जौहर मोड़ पे। ये रोज़ाने की बुनियाद पे यहाँ पे काम होता है। और ये वो रुमान रईस हैं जो चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है दो अहम विकेट लेकर पाकिस्तान को जो है फाइनल में पहुँचाया था। और पाकिस्तान जो है फाइनल में इंडिया को शिकस्त देकर सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जीता था। और ये रुमान रईस जो सेमीफाइनल में दो अहम विकेट ली थी, आज ये फाउंडेशन का काम कर रहे हैं अपनी। सर कौन रुमान भाई, आप ज़रा बताएं इस फाउंडेशन के बारे में कि क्या पोजीशन है और जितना अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप, और आगे आपकी क्या प्लानिंग है? सर ये तो हमने कोविड में स्टार्ट किया था जब लोग बहुत परेशान थे जिनके पास खाने को नहीं था, और उस वक्त हमें बड़ा एक ये हुआ था कि यार हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद है या जो मजदूर तबका है जिनको लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानी का सामना फेस करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों को। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि अभी भी हम उन्हीं तबके को जिसमें मजदूर तबका है, जो गरीब आवाम है हमारी, उनको हम सपोर्ट करें, पूरा ताकुन हम उनके साथ अपना शेयर करें। और कोशिश यही कर रहे हैं कि यार जितना मैक्सिमम नंबर पर जाके हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं वो करें। तो यही हमारा सिंपल प्लान है। और हमने जो रमज़ान में प्लानिंग की वो ये की है कि हर दिन हमारी इफ्तारी होगी, हर दिन सहरी होगी, और हम कच्ची आबादियों में जाके गरीब घरों में जाके वहाँ पर खाना पकाएंगे। बहुत शुक्रिया। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अफ्तारी करने वाले हैं बहुत बड़ी तादाद में जो है रुमान रईस फाउंडेशन की तरफ से यह अफ्तार का इंतजाम किया गया है। और यहाँ पे जो है कुछ देर में आप रोज़ेदार जो है अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी करने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है लोग ही लोग बैठे हुए हैं। और ये रुमान रईस की बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है, उन्होंने बहुत कोशिशों से जो है यहाँ पे जो है अफ्तारी का इंतजाम किया है, रमज़ान में रोज़ा खुलवा रहे हैं जौहर मोड़ पे। तो ये बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन काम रुमान रईस ने किया है। अली नवाज, जौहर मोड़, गुलिस्तान जौहर, सोशल मीडिया, कराची।